बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। सर्दी भी बहुत ही शदीद पड़ रही है हर जगह पर ही। तो ये मेरा एक दिन पहले का व्लॉग है जो मैंने आज वाले व्लॉग के साथ ही मैंने इसको शामिल कर दिया ना। तो मैंने कहा आप कहेंगे फिर इस्लाम ले रही है अगले आगे जाके भी। वो मैंने व्लॉग शुरू किया था ना आज का, तो फिर उसमें भी मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने कहा चले बता दूँ, ये एक दिन पहले का था कि ये शाम को ना अभी चाय के साथ चाय के टाइम ना कुछ खाने को दिल कर रहा था गरम गरम ना। तो मैंने कहा चलो सूजी का हलवा ही बना लेते हैं जल्दी में, वही एक बनेगा क्योंकि फिर सर्दी में बिल्कुल भी दिल नहीं करता कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा काम करने को ना आपको। फिर क्योंकि काम कुछ चीज़ें बनाए तो फिर बर्तन भी होते ही आपके गंदे होते हैं, फिर बाद में धोने पड़ते हैं, तो इसलिए बिल्कुल दिल नहीं था कर रहा। तो मैंने कहा चले ना सूजी का हलवा ही बना लेती हूँ, जल्दी बन जाएगा और खा भी लेंगे जल्दी से चलो चाय के साथ। तो लेके एक बहुत मज़ा आया था गरम गरम खाने का सर्दी में। तो बस यही होता है कि बस जल्दी जल्दी से काम समेटें और बंदा फिर ज़्यादा लंबे काम करने को दिल ही नहीं करता सर्दी में आपको। लेकिन गर्मी हो या सर्दी हो आपको काम करने पड़ते हैं सारे, तो औरतें ज़ाहिर है सारी लेडीज़ का यही होता है, अब अपने अपने घर को इसी तरह संभालती हैं। तो बस ये रात को फिर मैंने चावल बनाए, काफ़ी दिनों से नहीं थे बना रही क्योंकि गले हो रहे थे घर में ना सबके। तो फिर मैंने कहा चलो चावल ही बनाए थे काफ़ी दिनों से, फिर वो एक ही रूटीन से बंदा अक जाता है। फिर मैंने कहा आज चावल बनाती हूँ, कुछ नहीं होता गर्म गर्म खाए ना तो फिर नहीं कोई गले को नहीं इतना, मतलब आप ऊपर से पानी ना पिए। तो बस ये प्याज ब्राउन किए साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे। तो ये सुबह सुबह का टाइम है तो हमारी लाइट भी नहीं है, रात से ऐसे आ रही जा रही आ रही जा रही है। तो अब तो बिल्कुल गई हुई है, अब मेरे घर में 2 बजे ही आएगी। तो ये सुबह का टाइम, तो आज मेरी तबीयत भी सुबह सुबह ना बहुत ही ख़राब था, इतनी दर्द थी, बल्कि रात से ही थी, मैंने रात को भी आज बर्तन नहीं धोए, इतनी दर्द हो रही थी कि मैंने कहा शायद सोने से ठीक हो जाएगा, लेकिन सुबह नमाज़ के टाइम उठी हूँ ना तो बहुत दर्द थी। फिर मैं टैबलेट लेके ना तो नमाज़ पढ़ी, फिर ब्रेड मेहंदी लगा के चॉकलेट लगा के खाया और फिर टैबलेट ली और फिर धोते लेट गई ना। तो ये किचन का हाल देखें, अब सारा ये बर्तन देखें, अब ये सारी सफाई करूँगी, अभी अब नाश्ते का काम खत्म हुआ, हस्बैंड भी चले गए हैं तो अब मैं ये चीज़ें समेटूँगी। तो अब सफाई करती हूँ सारी, और ये कल नया मैं चॉपर लेकर आई हूँ, चॉपर बोर्ड 450 का, 450 का, क्योंकि वो पहला वाला था ख़राब हो रहा था, तो वो बेटी कहती नया लेकर आया ना, तो ये मैं कल लेकर आई थी। चीज़ें भी लाई तो वो मैंने कहा मैं उनको भी समेटूँगी, चीनी भी देखे लेकर आई। तो देखें हाल किचन का क्या हो रहा है। तो अब मैं ज़रा सा मेरा ठीक हुई है, तो अब मैं ज़रा सबसे ठीक चीज़ें ठीक करती हूँ, फिर अब इतना ज़्यादा ये देखें हो रहा है। तो चले मैं ठीक सफाई करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये माल्टे कब पुराने हो रहे थे काफ़ी दिनों से, मैं खा ही नहीं बच्चों ने बस, तो ये मैंने कहा चलो ये हल्को को दे दूँगी, तो रखा ये अंडे वे लेकर आई थी कल, मैं इनको रखूँ तो साथ तो इस्तेमाल भी हो गए हैं सुबह सुबह ही साथ। तो मैंने कहा चलो इनको साथ साथ चीज़ों को समेटूँ, बिल्कुल ऐसे ही पड़ी हुई है सारी चीज़ें, कल ऐसे मेरा सर घूम रहा था सारा दिन मेरा सर। तो ये सुबह सुबह मैंने दाल बनाई, सालन नहीं था देने के लिए ना हस्बैंड को साथ, वो लंच में मैंने सुबह सुबह दाल भी बनाई, इसलिए तो इतना गंद मच गया सारा। ये देखिए मैंने किचन सारा साफ कर लिया, बर्तन भी सारे धो लिए, सुकून मिला। अब ये देखिए कितनी अच्छी धूप निकली हुई है आज कि किचन में बगैर लाइट के मेरी इतनी रोशनी आती है। मैंने इसकी सेटिंग डिस्टर्ब कर दी है, इनका थोड़ा सा चेंज करूँ, एक ही था स्टाइल देख देख। और ये दाल वाला कुकर भी मैंने खाली कर दिया, इसमें डाल दिया मैंने कहा वो भी धुल जाएगा साथ साथ। देखिए कितना साफ हो गया, सुकून मिला देख के, नहीं तो जब धूप निकल रही हो ना तो इतनी रोशनी होती है मेरे किचन में माशाल्लाह से, ऐसे जैसे लाइटें चल रही हैं। तो आज धूप इतनी अच्छी निकली हुई है, तो मैंने कहा था आज कपड़े भी धोती हूँ तो, लेकिन लाइट हमारी गई हुई है, अब ये 2 बजे ही आएगी फिर शायद वो रिपेयर कर रहे हैं, ठीक वो कर रहे होंगे ना, तो इसलिए जाती है।
तो चले अब तो मेरा तो सालन बना हुआ है और चावल भी थोड़े से पड़े हुए हैं रात की बिरयानी, तो अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बनाना, लेकिन कुछ और ही कुछ अब कर लेती हूँ। कपड़े भी नहीं धुलेंगे तो कोई अलमारी वगैरह ठीक कर लेती हूँ, कुछ अंदर का काम कर लेती हूँ। अंदर भी अंधेरा होता है ना, यहाँ पे तो रोशनी होती है किचन में, लेकिन अंदर ना कमरों में थोड़ा सा अंधेरा ही होता है। और जब लाइट से जाती है ना लंबे वाली, तो फिर ये बस 2 बजे जब आती है तो फिर वाईफाई भी हो गई है, हमारा GPS भी बंद हो जाता है और फिर वाईफाई भी बंद हो जाता है सब कुछ, तो इसलिए फिर हम लाइटें भी नहीं चलाते कि चलो कम से कम वाईफाई तो चलता रहे हमारा। चलिए फिर मैं देखती हूँ अब क्या करती हूँ। ये ग्लव्स मैंने बेटी को बना के दिए थे, ये बहुत प्यारे मतलब सबको बहुत अच्छे लगे थे। ये मैंने उस यूट्यूब चैनल जो मेरा दूसरा है ना, मैंने उसमें भी ये इसको क्रोशे वाले उसमें ये डाली हुई है इसकी वीडियो, सबको बहुत अच्छे लगे थे। तो फिर मैंने कहा चले मैं आपको कपड़े, मेरे पास अनस्टिच कपड़े पड़े हुए थे ना कुछ, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कभी चक्कर लगता है ना मेरा सदर का, तो फिर मैं ले आती हूँ जो कोई एक अच्छा लगता है, तो पास हो तो चलो आपको सिलवाने में भी आसानी रहती है, और जो पसंद आ रहा होता है फिर बंदा उसी वक्त ले ले, फिर दोबारा तो नहीं मिलता ना वो। तो बास सूटों के इतने अच्छे कलर लगते हैं तो बंदा दिल करता है बस ले लें, फिर दोबारा जाओ तो वो बिल्कुल ही भी नहीं चीज़ मिलती है आपको ना, दूसरे नए नए डिज़ाइन आ जाते हैं। तो बस फिर यही होता है कि या तो फिर आप किसी को देने के भी काम आ जाते हैं चलो घर में हो, तो नहीं तो फिर वो भी बंदा सिलवा लेता है 2-3 इकट्ठे करके, तो फिर हम टेलर के पास, क्योंकि पास नहीं है ना टेलर, बंदा दूर जाना पड़ता है गाड़ी पे, तो फिर एक एक सूट तो नहीं दिया जाता ना, फिर 2-4 इकट्ठे करके तो फिर ही हम देते हैं। जल्दी इतना तो नहीं फिर मतलब जा सकता, वो भी फिर गाड़ी पे जाना पड़ता है और किसी के साथ, और फिर इसे इकट्ठे करके फिर जाती हूँ मैं। तो ये ब्लैक कलर का बोनांजा सतरंगी का जो कॉट पे सूट भी जो आया हुआ है, बहुत प्यारे कलर इसमें होते हैं ना, आपको सब कलर बहुत प्यारे लगते हैं, लाइट भी हैं डार्क भी हैं इसमें। तो ये एक मैं लेकर आई थी, तो ये ब्लैक कलर में है और रेड कलर का इसका दुपट्टा है, और ब्लैक सिंपल ट्राउजर था, बहुत प्यारा कलर था दुपट्टा इसका, इतना प्यारा खिला खिला सा रहा था ना रेड। देखिए मैं खुद सिलवाती हूँ या मैं ये किसी को दे देती हूँ, मतलब सिस्टर के लिए भी मैं लाती हूँ ना, वो जो बाहर होती हैं, तो फिर वो भी कहती हैं कि जो अच्छे अगर कपड़े आपको जो भी डिज़ाइन अच्छा हो तो मेरा भी ले लिया करें। तो मैं फिर ये मुझे बहुत प्यारा कलर इसका लगा था रेड कलर का दुपट्टा, तो मैं ले आई थी, मैंने कहा चलो पास हो तो पसंद करवा दूँगी उसको अगर अच्छा लगेगा तो। और ये दूसरा मैं सूट लाई थी, ये ब्रांड का नहीं था, ये ना कामरान मार्केट से मैंने लिया था, ये कढ़ाई वाले, ये भी बहुत आए हुए हैं सूट इधर ना, बहुत प्यारे लगते हैं ये, आपके ऐसे फुल भरी हुई आपका फ्रंट होता है ये वाला, इसका कलर मुझे इतना अच्छा लगा था, तो मैंने कहा 2 पीस था ये वाला ना, तो मैंने कहा शॉल तो बंदा कोई भी ले सकता है, घर से भी मैचिंग हो जाती है, बाजार से भी आजकल तो शॉलें मिल जाती हैं कोई भी, तो शॉल का इतना नहीं होता, तो ट्राउज़र वगैरह का सब मसला मैचिंग का होता है। तो इसकी ये बैक है बाजू और बैक, ये उस पर भी कढ़ाई हुई थी, और फ्रंट तो फुल भरा हुआ है ना, और ट्राउज़र जो था ना वो सिंपल था, तो मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कहा चलिए मैं ये एक ले लेती हूँ ना, तो एक ये भी लिया था मैंने, मैंने कहा शॉल तो को मैच हो ही जाती है कोई ना कोई, तो आप मिल भी जाती हैं शॉलें तो आजकल इतनी ज़्यादा आई हुई है वैरायटी मार्केट में, हर जगह से मिल जाती हैं शॉलें, तो ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, लेकिन मैंने कभी ऑनलाइन नहीं मंगवाई, कामर मार्केट से लेती हूँ मैं ज़्यादातर ना ये शॉल वगैरह, बहुत अच्छी मिलती है वहाँ पर, वैरायटी आ जाती है ये सर्दियों में। तो तीसरा ये 2 पीस था, ये भी बनाना सतरंगी का था, और ये ना ये लड़कियों वाला स्टाइल था, ये बहुत अच्छा था, 2 पीस है ना, तो चलो लड़कियों की कोई शॉल वगैरह गले में मफलर वगैरह भी डाल लेती हैं, ये लड़कियों का मतलब टीनेजर गर्ल्स का बहुत प्यारे से डिज़ाइन ना फ्रॉक सा बना हुआ था, तो एक मैं ये भी ले आई थी, इसका कलर भी बहुत अच्छा था। आपको मैंने अभी ये 3 सूट ही दिखाए, तो वो पकाया जो दूसरे 3 भी थे ना साथ, तो वो मैं ना फिर नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी, क्योंकि वो बहुत ही लंबी वीडियो हो रही थी, तो मैं इनको पता नहीं आपको अच्छा लगे ना लगे इतनी लंबी वीडियो ना, तो फिर मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर लूँगी ना। इसका भी बहुत अच्छा डिज़ाइन था, कलर भी बहुत अच्छा था, इसका फ्रॉक वाला स्टाइल बनेगा ना तो अच्छा लगेगा ये वाला स्टाइल, जब जाओ तो नए डिज़ाइन आ जाते हैं, इसलिए आपको जो अच्छा लगे उसी वक्त ले लो तो ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे मेरे सूट, दुआओं में याद रखिएगा, आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।